हेलो फ्रेंड्स, द किल पानी शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म के चक्कर में देखिए बहुत सारे कलाकार एक्टर्स जो बड़े पर्दे पे और चल नहीं रहे हैं, मीन्स उनका उतना और मूवी नहीं चल रहा है स्क्रीन पे, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनका अपना अभी भी जो भी एक्टिंग दिखाने के लिए उनको डिफरेंट रोल्स मिल सकता है। तो इसी रूट पे देखिए दोस्तों, नेटफ्लिक्स में बॉबी देओल स्टारर क्लास ऑफ 83 मूवी रिलीज होने वाली है। आज उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ये रेड चिलीज प्रोडक्शन की है और इसका डायरेक्शन अतुल सब्रवाल ने किया है। अतुल सब्रवाल दोस्तों, उन्होंने पहले औरंगजेब और माय वाइफ्स मर्डर जैसे मूवीज का लेखन किया है और ये 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स में रिलीज होगी। तो इसमें देखने को दोस्तों हमको ये मिलता है कि ये जो मूवी है इसमें बॉबी देओल को एक डीन विजय सिंह बने हैं, जिनका साथ पास्ट उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर थे, बहुत अच्छा काम किया है, कोई पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट को पकड़े हैं, करप्ट वाले को पकड़े हैं और उनके इनाम में उनको डिमोट किया गया है और उनको कोई एक पुलिस अकेडमी का डीन बना के भेज दिया गया है। और तो वो पुलिस के लाइफ से बहुत नाखुशी हैं क्योंकि वो अच्छा काम किए थे स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और उनको उल्टा डिमोट कर दिया गया है। वो जो सोचे थे जाने का, जहाँ पे उनका एम्बिशन होगा, वो पूरा बर्बाद कर दिया। तो वो ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, पूरा सीरियसनेस है टॉपिक, और आप देखेंगे तो वो जो लुक है, जो फील है वो स्क्रीन का, वो भी पूरा 83 का आ रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी हमको बैकग्राउंड देखने मिल रहा था मूवी का, वो अच्छा लगा मुझे। और इवन बॉबी देओल एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, उनका फेस में भी वो एक्सपीरियंस एक दिख रहा है, जो सैडनेस भी दिख रहा है, गुस्सा भी दिख रहा है कि कैसे बदला लेंगे। और कहीं कुछ कुछ सीन देख के ऐसा लगता है कि कुछ वो एक ग्रुप बना रहे हैं, पुलिस में ही कुछ 4-5 लोगों को ऐसा सिलेक्ट करके फिर से करप्ट लोगों से, पावरफुल लोगों से बदला लेने के लिए, और फिर शायद वो पावरफुल लोग भी इनसे फिर उनको मालूम चल जाता है। तो वो एक गेम जबरदस्त थ्रिलर बनने वाला है। और देख के लगा कि क्राइम पेट्रोल का जो होस्ट है और अनूप सोनी, यहाँ पे शायद कोई एक पॉलिटिशियन, करप्ट पॉलिटिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा है, वो बहुत अच्छा एक्टर है। और तो अच्छा लग रहा है वो देख के ये। और एज यूजुअल रेड चिलीज का है तो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है। और तो और एक ये बुक है एक्चुअली दोस्तों, हुसैन जैदी जी का द क्लास ऑफ 83, उसी पे आधारित है बुक ये मूवी। तो लग तो रही बहुत अच्छा होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होपफुली अच्छा हो, ट्रेलर तो देख के अच्छा लगा, होप ये इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा हो। और दोस्तों कहीं कहीं मुझे तो वो अक्षय कुमार स्टारर गब्बर इज बैक की याद आ गई, और तेलुगु में एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है चिरंजीवी जी की, मेगा स्टार चिरंजीवी जी की टैगोर, उसकी याद दिलागे, उसी लाइन लेन पे मुझे लग रही है मूवी कि एक ईमानदार आदमी है जिसके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने देखा है कितना करप्शन है और वो देख लिया कि अगर आप जो यूजुअल रूट जा रहे हैं तो उसमें कुछ ये मिलने वाला नहीं है, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो वो एक डिफरेंट वे पकड़ते हैं कि खुद ही अब लेना है, जस्टिस करना है खुद ही, तो उसी लेन पे ये मुझे लग रही है और थ्रिलर लग रही है दोस्तों, बहुत मजा आएगा देख के। रॉ जो फाइटिंग सीन्स या जो भी एक्शन सीन था बहुत अच्छा लगा देख के। और एक अच्छी न्यूज़ ये थी कि इसमें म्यूजिक आप देखिए विजय साकी है, बहुत सालों बाद हमको ये सुनने मिला, तो अच्छी लग रही है। तो होपफुली दोस्तों ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।